राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 2 चरण के बाकी है, क्या लगता है इस बार? ऐसा है कि देश के मीडिया ने और देश की जनता ने ये बता दिया है, भारत के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी होंगे। विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है और राजीव जी का खास तरीके से जिस तरीके से मुद्दा उठाया जा रहा है, इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है। इंद्रेश जी, लोग कह रहे हैं कि इस विपक्ष कह रहा है कि अभी राजीव गांधी के मुद्दों को क्या उठाने की जरूरत थी, कई मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश की जा रही है। ऐसा है, कांग्रेस और उनके नेता असभ्य अपशब्द और अपमानजनक शब्द बोलने के माहिर हो गए हैं। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, वो असभ्य अपशब्द और अपमानजनक शब्दों को दूसरों के लिए बोलना बंद कर दें। वो स्वयं ऐसे कांच के घर में बैठे हैं और दूसरों पर जब पत्थर फेंकते और कीचड़ उछालता वो उनको ध्यान में नहीं आता, उनके घर को तोड़ रहा है और उनको चेहरे पर कीचड़ फेंक रहा है। जी, आपको लगता है कि 5वें चरण में अचानक ये स्वर्गीय राजीव गांधी का मुद्दा इतना जोर शोर से प्रधानमंत्री क्यों उठा रहे हैं? सवाल इस पे भी उठ रहे हैं। ऐसा है, आपका प्रश्न अच्छा होने पर भी बहुत गलत है। प्रधानमंत्री मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री और देश के सब लोगों के प्रति और जिनके जीवन मूल्य परमार्थ के हैं, निस्वार्थ के हैं, उन पर कीचड़ उछालने का काम कांग्रेस ने करके और इस प्रकार के और चीज़ों को जन्म दिया है। मैं आपके चैनल के द्वारा कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को कहूँगा, वह असभ्यता अपशब्दों और अपमानपूर्ण शब्दों की राजनीति को तुरंत लगाम लगाएं, बंद करें। बिल्कुल, ये थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार, और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, उसी के जवाब में राजीव गांधी पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। कैमरामैन इमैनुअल के साथ सुमंत कुमार, APN दिल्ली।